जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ और वीडियो बताइए क्लियर है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। जैसे कि आपको बताया था कि आज आपको शौक करवाएंगे और आज हम शौक करवा रहे हैं जनाब उस्ताद मलिक अरशद साहब और उस्ताद मलिक बाबर साहब पैरागॉन सोसाइटी उनकी छत पर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद जकी साहब टमटम और उनके अलावा जनाब चौधरी शफीक साहब कराची से। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है कामरान भाई, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो बस इसको बंद कर दें जरा। तो अभी आप बाबर भाई के कबूतर देख रहे थे माशाल्लाह, तो कैसे लगे कबूतर? बहुत आला कबूतर लगे। सियालकोटी कबूतरों में मैंने इससे अच्छे कबूतर नहीं देखे। अच्छा, सियालकोटी कबूतरों में इससे अच्छे कबूतर नहीं देखे। आपको पता है सियालकोटी कौन से हैं? ये वो सियालकोटी नहीं है जो मुर्गियों वाले सियालकोटी होते हैं, नहीं ये टमटम ब्रीड मतलब मशहूर है भाई के माशाल्लाह। हाँ, ये इनके वालिद साहब की जो मेहरबानी है सारे उस्ताद इनायतुल्लाह खान टमटम, और बड़ी माशाल्लाह उनसे हमारी गुफ्तगू रही वहाँ पर, और बड़ा नॉलेज है उनके पास। और जब कबूतर आपके सामने आए होंगे तो आपको भी अंदाजा हुआ होगा। ऐसे ही है माशाल्लाह, बहुत आला कबूतर, अच्छे लगे हैं कबूतर। कुछ कबूतर ऐसे मैंने नहीं देखे पहले, मेरे शौक में इतने अच्छे कबूतर मैंने हाथ में पकड़ के देखे। अच्छा, और इसके साथ साथ लाल आंखों वाले कबूतर भी इनके पास हैं जो नवाबों वाले सर, नवाबों वाले कबूतर जौनसरे कबूतर, वो भी बहुत आला कबूतर। अच्छे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, बहुत पुराने कबूतर और बड़े नायाब कबूतर। साइज देखा आपने माशाल्लाह, अब इतने साइज और इतने पल्ले और इस हिसाब से कबूतर पूरा मेंटेन हुआ हुआ। जो भी कबूतर आ रहा था वो सब बैलेंस में आ रहा था, बैलेंस में उड़ने वाले जो कबूतर मुझे बाबर भाई ने दिखाए, जकी भाई ने दिखाए, बहुत अच्छे दिखाए और बिल्कुल बैलेंस में। एक को छोड़ो एक, एक को छोड़ो एक, एक को छोड़ो एक, सब एक जैसे बिल्कुल। मादियाँ तो मादियाँ, नर थे तो नर, हर लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे आपको। और इस सीजन ये जो मौसम चल रहा है तो जेठ के कबूतर है मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसी है। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मेरा शौक है ऐसी है। तो जकी भाई ये क्या जैसे ये कह रहे हैं आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो माशाल्लाह ऑन द रिकॉर्ड आपको पता है उड़े हुए हैं और शफीक भाई को माशाल्लाह बहुत पसंद आए। तो अभी इस दफ़ा अभी इस छत से कोई हो रहा है शौक? जी इंशाल्लाह आंसू का कप में लेंगे ईसा और इंशाल्लाह उसके बाद जेठ। इस दफ़ा अल्लाह खैर रखे तो इंशाल्लाह पूरी तैयारी है। प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, हाँ वायरस आ गया था ज़रा थोड़ा सा जी, तो अब माशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना फुल तैयारी है। तो बाबर भाई कहाँ हैं जी? यूसुफ भाई बाबर जी, अस्सलाम वालेकुम। शफीक भाई आए हैं कैसे? शफीक भाई जी अपने भाई हैं और इनकी मेहरबानी है जी, इतनी दूर से शौक के लिए आए हैं। और जनाब मैं सबसे पहले जो उनसे ना, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम और प्यार जी। बस पूछे जनाब। अच्छा मैं नहीं पूछता भाई। हाँ अभी हम जरा ये जरा आए हुए इधर पे बाबर भाई के लाइव हुए हुए जी यूसुफ। अच्छा तो शफीक भाई, जो कबूतर आपको पसंद आए हैं सियालकोटी कबूतर, क्या पहले जैसे आपने अब कराची में भी आप कबूतरबाजी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कराची के मौसम में ये कबूतर बेहतर काम करेंगे? कराची में काम ही यही कबूतर करते हैं ज़्यादातर, यही ज़्यादातर यही काम करते हैं। अब जैसे फ़कीर गुल कबूतर है उनकी बे इनमें नज़र आती है या इनकी बे उनमें नज़र आती है, बिल्कुल जो हमारे जौनसरे कबूतर जिनको कराची वाले हम कहते हैं फ़कीर गुल कबूतर है बिल्कुल सही, तो वहाँ यही काम करते हैं। हवा चलती है कुछ पर, मैंने जकी भाई को दिखाया जो माशाल्लाह इनके कबूतरों में आ रहे थे कि जकी भाई यही पर वहाँ कामयाब है, यही बगल कामयाब है, यही हर दूसरा कबूतर हमारे वहाँ वापसी के लिए ये बड़े ज़रूरी है। यानी हम यहाँ से इनको टैडियों में डालें चाहे वहाँ जाके कमकरों में डालें, प्योर भी उड़ाएं तो यही कबूतर, यही कबूतर चलते हैं। कराची बहुत ज़्यादा हाइट पे जो कबूतर जाके परवास करते हैं जैसे माशाल्लाह बाबर भाई के पास लाल आंखों वाले कुछ कबूतर हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पे चले जाते हैं, वो कराची कामयाब नहीं। इसलिए मौसम उसके बाद चेंज हो जाता है, समुद्री हवा चल जाती है
तो वो यानी कि ज़ाया हो जाता है, क्रॉस में करना पड़ता है। हाँ क्रॉस में करना पड़ता है, क्रॉस में करना पड़ता है। ये जो कबूतर जकी भाई आ लें ये वहाँ मिल जाए तो क्या बात। तो मौसम जैसे आपने यहाँ का अभी आजकल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी तो यहाँ पे फिल वक्त जो मौसम है इसमें हब्स बहुत ज़्यादा है। लाहौर जो है अगस्त और सितंबर में जो है एक तरह से दोजख ही बना हुआ होता है, ऐसे ही। और उसके अलावा लाहौर का मौसम से पसीने चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही हालात है। तो क्या कराची में भी इस तरह का मौसम आपको मिलता है? कराची में मिलता है इस तरह का मौसम, वैसे ही मिलता है। सुबह 11 से लेके 2 बजे तक मिलता है। ठीक हो गया। 3:30 बजे के बाद हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तो उन दिनों में परफॉर्मेंस क्या रहती है कबूतरों की? यहाँ तो आजकल भी कई लोगों के फोन करते हैं तो वो कहते हैं जी 5 बजे बैठा है, जी 6 बजे बैठा है, जो फिरते दे रहे हैं लोग। वहाँ भी ऐसे ही है, कबूतर ज़ाया बहुत होता है। वहाँ कामयाब वो कबूतर होता है कामरान भाई जो चलता है, जो जिसकी यानी चाल में उड़ता है, जो कबूतर लंबे गेड़ों में जैसे लंबी चाल में उड़ता है, ऊपर लंबा होता है, वो कबूतर वहाँ कामयाब। जो गोल गेड़ों के कबूतर होते हैं वहाँ वो अक्सर ज़ाया हो जाते हैं। 3-4 बजे हवा आती है या बादल चलते हैं, जो वहाँ से हट गया गोल गेड़ों वाला कबूतर उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो आ गया। चलने वाला कबूतर वो आ जाता है। और सियालकोटी कबूतर वैसे वहाँ कामयाब है इसलिए ये चल गए वहाँ पे अपने घर वाले। जकी भाई ये जो चलने और गोल गेड़ों का चक्कर है तो ये क्या आपके कबूतरों में क्या गोल गेड़े ज्यादा हैं कि हमारे यहाँ तो यही राउंड ही पसंद किया जाता है? हवा में कबूतर चलना शुरू कर देता है लंबा, वैसे ये कबूतर गोल ही उड़ते हैं, लेकिन आंधी तूफान वगैरह में वो हवा के हिसाब से अपने आप को सेटल कर लेते हैं। ये बात है, यूज्ड हो जाता है। हाँ यूज्ड होता है, मतलब उसमें पर का कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं। वो अब मौसम और माहौल के मुताबिक जैसे हम अपने आप को ढालते हैं वो अपने आप को, क्योंकि वो अपनी प्रवास पूरी करता है ना। हाँ प्रवास पूरी करता है फिर लंबा चलता है उस हिसाब से। बिल्कुल सही हो गया जी। शबाज साहब जरा कोई कबूतर दिखाएं हमें कुछ जबरदस्त किस्म के, और बाबर भाई भी हमारे साथ हैं। तो अब शबाज साहब पूरे पसीने पसीने हुए हैं, मौसम ही ऐसा है कामरान। हाँ मैं कह रहा हूँ ना अंदर से भी गीले हो रहे हैं। कौन है ये देखें जी, ये छत का मंजर और कबूतर दिखाते हैं। राशिद तारिक साहब, यासर क्यानी साहब और जी हसन खान, हसन खान टम सलाम। और यूसुफ भाई भी आए होंगे। यूसुफ भाई शारजा से आपको भी बहुत ज़्यादा सलाम और प्यार। यूसुफ भाई आप हमें देख रहे हैं, ये आपकी अपनी छत है। आगे आगे यूसुफ भाई ये आपकी अपनी छत है। और यूसुफ भाई ये इस वक्त जो है बाबर भाई के कबूतर आ गए, और अब हम आपको शौक करवाते हैं। बंद कर दो फोन जी। ये आ गए टम टम नहीं जी, ये टम टम कबूतर है, मेन ब्रीडर सियालकोटी कबूतर है। अभी ये सियालकोटी के आएंगे ना जी? बिल्कुल। ये देखें जी, ये पर नहीं लेकर आ रहा कबूतर। ये देखें शौक करा रहे हैं कुछ कबूतर आता, तुसी ऑनलाइन ओना दा देखो है, एक कबूतर शेर है जकी भाई दा आते जो शौक करो ना बेंच। ये देखें जी, और इसका पूरा ये तस्वीरों में लगा नहीं लगा अभी तक, ये पहले तक ये बाजियों में उड़े हुए हैं। कामरान भाई ये फेवरेट कबूतर यानी मुझे बहुत पसंद आया। ये कबूतर आ गया यार, छोटा मैं देखे नहीं देखा। अच्छा ये दोनों कामरान भाई बहुत पसंद आया हर लिहाज से। ये जी ये बाजियों में खैर बहरहाल जकी भाई को भी क्रेडिट देना ठीक है, लेकिन ज्यादा क्रेडिट जो है ना वालिद मोहतरम का उस्ताद इनायतुल्लाह खान टमटम, उनका ज्यादा क्रेडिट है जी इन कबूतरों की तैयारी में और इनको बनाने में। और ये लें जी, ये दोनों भाई हैं, ये देखें दोनों उड़े हैं बाजियों किधर, इधर ही। हाँ जी इधर ही उड़े, ये डॉक्टर अजहर के खिलाफ उड़े हैं जो। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर अजहर के पिछले से पिछले साल जो हार्ड की बाजियों में, बिल्कुल हार्ड में ये मतवातर 2-3 से पार बैठता रहा ये वो वाला। हाँ जी ये रोज की बाजियों में। तो इस दफा आप जो जेठ आएगा उसमें ये जेठ में रेडी हैं पूरे, ये भी ठाला लेना फड़ के ले। ये भी गोल किए थे हार्ड में ना, दोबारा उड़ाए थे। ये उड़ने वाले हैं ये, यानी जो उनसे ना तो उनको फिटनेस में रखने के लिए ताकि वो बाहर निकाल। हाँ बिल्कुल सही। तो अपना शफीक भाई ये वाले पर ही आप कह रहे हैं जो वहाँ पे भी कामयाब है? ऐसे ही है, ये मुझे बहुत पसंद आया कबूतर। ये देख लें आप, पर ये कराची के मौसम के अतबार से बेस्ट। अच्छा। यानी इनको मैं जाके इन परों को जैसे मर्जी कबूतर में डाल लूं, मेरा कबूतर वहां जाया नहीं।
सही होगा। अगर सात बन जाएंगे तो सातों के सातों ही घर आएंगे। तो क्या आप एक भी जाया नहीं होगा जो मेरा शौक है, जो मैं वहाँ पे शौक कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, छत इंशाल्लाह आने वाले अप्रैल में मैं वहाँ पे उड़ाऊंगा। ये जो अब सीजन आएगा जो वहाँ का कराची। तो क्या फकीर गुल कबूतरों में भी यही पर आते हैं? बहुत सारे कबूतरों में यही पर है। नहीं नहीं, इसी तरह का पर है, इसी स्टाइल का। हाँ, इसी स्टाइल का, इसी तरह की कबूतर है। कुछ कबूतर मुझे दिखाए जकी भाई ने, जो मैंने कहा ये फकीर गुल ही है, इन्होंने कहा नहीं ये हमारे जौनसरे कबूतर है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने तो सुना फकीर गुल जरा खुली दुमों के और बड़े बड़े कबूतर होते हैं। बस वो मुख्तलिफ कैटेगरी में लोगों ने बनाए हुए। हाँ, आपने देखे भी हैं, वो मुख्तलिफ लोगों ने बनाए। जो भट्टो जान बलोच वाले कबूतर हैं उनकी तो आंखें लगा। हाँ, वो फांटा जिसको कहते हैं वहाँ पे। हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही। यानी कि बेस इसका मतलब है जैसे कि भाई हर जगह सियालकोटी मतलब उनमें बेस करते हैं। हर बंदे के अलग अलग कबूतर अपने बनाए हुए हैं मौसम के हिसाब से, शहर के और जगह के। बिल्कुल, अलग अलग नाम भी दिए हैं। अलग अलग जी जी भाई, तुम्हें बल्ली साहब। अब इनको वहाँ पे हम फकीर गुल बोलेंगे, इन कबूतरों को भी यानी फकीर गुल कबूतर ये कहलाएंगे। लेकिन ये आँख से फर्क आ रहा है इसमें, उनकी आँखों के आँखें बहुत कशादा हैं। उस्मान भाई के पास आपने उस्मान सईद के एक कबूतर लगा हुआ रिसाले पे फकीर गुल, वो कबूतर देख लिया। बिल्कुल देखा, लेकिन आँख का बहुत फर्क है। आँख असल में उनकी बहुत बड़ी आँखें हैं, आँखें उनकी जो पलके इनकी भी जीरो हैं, पलके उनकी भी जीरो हैं, पर माशाल्लाह ये आउट क्लास कबूतर है। ओ थले वाली है, तो बहुत ही आला, उसका शौक हम कराएंगे। बहुत अलग, ये भी इनमें ही आते हैं। हाँ जी, ये भी गहरे हो जाते हैं ना, जो जो पुराने एज होते हैं एज के हिसाब से। हाँ जी, एज के हिसाब। अच्छा, ठीक भाई, 72 नंबर ही देखा आपने शायद, ये देखा ही। अब बहुत कम कामरान भाई, ये जो पाँव नीले आते हैं ना जी, सियालकोटी कबूतरों में कम देखे जाते हैं नीले पाँव। इनके कबूतर में आपको नीले पाँव नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही है। आप भी शौक माशाल्लाह इतना यानी कराते हैं। सियालकोटी कबूतर में ये जामनू पंजे कम आते हैं, इनके कबूतर में जामनू पंजे, मोतियों वाले कबूतरों में बहुत ज़्यादा आते हैं इनके कबूतरों में माशाल्लाह। शुभाश, और मैंने ज्यादातर मोतियों वाले कबूतरों में ही ये चीज जो है ना देखी। और ये भी एक बाबर भाई ने मुझे शौक कराया। देखो जी, ये वो है, दोनों एक जैसे हैं। ये मुझे पकड़ा दें आप, वो दिखाएं। ये जी मुझे बहुत पसंद आया कबूतर, इतना पसंद आया कि क्या अल्लाह पाक इस कबूतर की जिंदगी रखे और बाबर भाई को नसीब हो। बहुत आला कबूतर, बहुत ही आला। ये कौन सा वाला, ये जिसकी पहले तस्वीर ली है? हाँ जी, पहले ली, बैक साइड से जो सीधा ऊपर। अभी इसका दसवां आ रहा है ना, ये दसवां आ रहा है। ये कोई नहीं, मुझे इतने लाल दाल। ये कामरान भाई, ये माशाल्लाह कामरान भाई, शौक कराओ, शौक कराओ, बहुत नहीं, ये अब शौक इन्होंने करवाया है जी। ये देखें जी, ये शफीक भाई का बहुत ही फेवरेट कबूतर है। शेर अमान साहब, कैसे हैं आप? बाबर भाई थोड़ी जी तारीफ भी करे, केड़ा कबूतर है, किना विचो है और की चीज़ है। बहुत आला चीज़ है माशाल्लाह। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये जो बाबर भाई के ख़ास कबूतर हैं उनमें से है। और इसकी एक दफ़ा हमने सिर्फ फ्रंट की तस्वीर जो ली हुई है। बिल्कुल ठीक है जी। और इसका रिजल्ट भी कामरान भाई बहुत आला है। मेरे पास इसके ना 7-8 तकरीबन बहन भाई हैं, सभी माशाल्लाह एक से एक बढ़ के उड़े हैं। इनके बच्चों को भिगो के छोड़ दें और उसके बाद ये जाते नहीं, भिगो के छोड़ दें, बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये वाला कबूतर भी दिखाएंगे, ये भी कोई किसी अच्छे बंदे का ही लग रहा है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये देखें, ओ उधरों लेके आ उलवान, बस बहुत है। कितने छड़ना है? ओ बात, लेकिन मक्खियां मुखियां ना बेच पैजन। चले कामरान भाई, बेटा मन भड़े हैं। नाजिम ये देखें जी, ये कबूतर नीचे बैठ गया ऊपर कर। मेरे वो तीन मेन कबूतर हैं नाजिम, हाँ ये जो अभी आपको दिखाए हैं उनमें से बहुत आला और बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं। और इसके अलावा बाबर भाई कुछ अच्छा, आज कोई एक छोटी सी फरमाइश है कि एक दो टैडी कबूतरों के शौक करवा दें। करवा देता हूँ। यूसुफ भाई भी हैं और लोग भी, हरिंदर सिंह, यूसुफ भाई जिंदाबाद। यूसुफ भाई ने साडा सलाम कह दियो जी। यूसुफ भाई लव यू। यूसुफ भाई साढ़े शारजा की जिंद जान है जी।
हाँ जी हाँ लो जी आगे ये भी एक कामरान भाई इसका भी कराएं इधर ही करवा दें फिर मैं टैडी कबूतरों का आपको शौक करवाता हूँ टैडी कबूतर भी दिखाते हैं जी सुबह से जाओ जरा मैं टैडी फड़ो जाके टैडी से सात नफरा सकता उस्ताद जी दसन गए ना वो कड़ के ले आओ ना कुछ जाएंगे आप हाँ जी अच्छा जी सही कहता फिर वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद अरमुगान इलाही साहब अरमानी भाई को मेरा सलाम कह देना कह दे सलाम ये जरा जा रहे हैं नीचे हवाई अड्डे पर ये देखें अच्छा ये एक बात बताएं आपने टमटम जो नाम रखा हुआ है वो किसी एक ब्रीड का नाम है कि या नहीं नहीं एक ही ब्रीड का तो फिर ये कलर्स डिफरेंट क्यों आते हैं निकलते हैं मेल चेंज किए थे ना उसके साथ हमने उसी मादा के साथ तो वो मेंटेन आपने रखा उनको मुख्तलिफ उनमें डालते रहे उनमें जो और उसके बाद लेकिन वो नाम उस मादा का ही चला वही बिल्कुल लेकिन वो नाम माशाल्लाह मादा का नहीं हो तो आप लोगों का हो क्या मैं ये उस दिन है मुझे बड़ी हैरानी हुई वहाँ पे इनको कोई भी जो है ना नामों से नहीं पुकारते टमटम एक ऐसा हो गया जैसे कौम या जात नहीं होती ब्रांड बन हाँ ब्रांड बन गया ये टमटम के नाम से ही मशहूर है वहाँ पे वाले साहब भी उनको कोई भी बात करते हैं ना जब किसी अरबी से हम बात करें उन्होंने इनायतुल्लाह कौन टमटम टमटम के नाम से वो मशहूर है वहाँ पे और यहाँ पे माशाल्लाह ये लोग भी टमटम के नाम से इनका जो है बहुत बड़ा वो है रिकॉर्ड भी काफ़ी है इसके छोड़ दो इसको जी जी छोड़ तो नाजिन ये कबूतर आपको दिखा रहे हैं मंथली हाई फ्लाई देखिए बाबर भाई तुसी दूर ना जाना हूं ले जी अमन भाई आपकी फरमाइश पे हेलो जी ले जी ये टेडी है हां जी या बांके हैं बांके हैं फिरोजपुरी नहीं नहीं सीरियस ना ये टेडी है क्या हां ये बताएं ना ताकि लोगों को पता लगे इनकी आंखें देख के लोगों को जब आएगा ना लोगों के सामने तो खुद ब खुद पता चल जाएगा जकी भाई का ये देखें जी ये देखें जी ये जकी भाई बताएंगे इन कबूतरों के बारे में जकी भाई ये क्या क्या कबूतर है देखें जी इनमें टच है ज़रा अली वाले कबूतरों का वो प्योर है अच्छा इस कबूतर में टच है ये प्योर है हाँ ये प्योर ये अली वाला कबूतर है जी हाँ जी प्योर अली वाला कबूतर एक दिन सारे रिव्यू नहीं करते फिर मैं कामरान भाई आ गए हैं ये देखें जैसे कि भाई इनके भी वजूद छोटे ही हैं हाँ अभी बच्चे हैं ना ये भी 10 साफ हुए हैं अच्छा अभी तो पर भी बच्चों वाले हैं बहुत आला जी ये कौन से वाले टैडी कहलाएंगे कोई बाबर भाई ये कौन से वाले टैडी कहलाए अच्छा अपने नहीं नहीं किन टैडियों में से बने हुए हैं ये मलक बाबर वाले जी मैरसगर साहब वाले मैरसगर साहब वाले कबूतरों में से ठीक हो गया एनो भी आरएस कबूतर में उधर बारी तस्वीर है बहुत जबरदस्त जी और मैं लेके आता और लेकर आ रहे हैं हां जी मैं शौक करवाता हूं जनाब हमारा इधर नेटवर्क थोड़ा अभी आ जाएगा जी अभी आ जाएगा वीडियो प्रॉब्लम हो रही है मैं समझ गया इधर ही रख दे इधर वो सीढ़ियों के उस साइड पे आप देखें जी कामरान भाई बाबर भाई को हमारा सलाम देना अच्छा वीडियो क्लियर हो रही है कि नहीं ये ले जी ये देखें बहुत आला ये कौन सा जी ये एक टमटम ब्रीड है 61 नंबर 61 नंबर हाँ आ गया जी अस्सलाम वालेकुम जी देखें वीडियो क्लियर हो गई है जी हाँ जी वीडियो क्लियर हो गई है हाँ अब ठीक है वीडियो कह रहे हैं जी ये देखें जी ये भी टैडी जी जी टैडी है कमाल अच्छा आप लोगों ने कभी टैडी कबूतरों का शौक नहीं किया मैं क्रॉस अच्छा। डाला है बहुत अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट है अच्छा रखा आपने टमटम को ही ऊपर उनके साथ क्रॉस ही किया उनको जी जी क्रॉस ही किया बिल्कुल सही क्योंकि वो तो प्योर भी उड़ते हैं ना और भी माशाल्लाह काफी अच्छे होते हैं बहुत जबरदस्त जी माशाल्लाह ये भी उनमें से ही कहलाएंगे ये सारे ना अभी कामरान भाई बच्चे हैं छोटे हैं ठीक हाँ बहुत आला
अभी देखना अभी 9वें 10वें 10वें पर अभी इन्होंने पूरे किए बहुत आला। ये फीमेल लग रही है ना? ये क्या कहेंगे सर अब आपके पास टेडी आए हैं? जबरदस्त जी माशाल्लाह बहुत पसंद आया मुझे पर भी बहुत अच्छा लगा। तो अब ये पर उड़ेंगे वहाँ पे? क्यों नहीं उड़ेंगे, तो ये चले नहीं जाएंगे? नहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अब ये तो टेडी है, ये तो सियालकोट का। कमरान भाई कोई भी शहर है कोई भी जगह है, अब यहाँ से गुजरा वाला का फर्क है, लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ कबूतर, यानी के वहाँ हर मौसम हर एतबार से आदमी को परों से हर तरह से उसको मेंटेन करना पड़ता है। क्या कहते हैं सियालकोटी कराची में भी हैं, टैडी भी हैं, कमगर भी हैं, यहाँ भी वही है, यहीं से गए हैं बल्कि। अच्छा मेरा मानना सिर्फ जकी भाई ये है कि जो कबूतर उड़ता है ना वो हर जगह उड़ता है। हर जगह उड़ता है बिल्कुल, हर ब्लड उड़ता है। हाँ ठीक है, ये अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी तक कराची से पिंडी तक जहाँ तक हमने सफर किया, जब भी कोई हमें चैंपियन कबूतर दिखाता है ना कि जी ये हमारा बड़ा अच्छा कबूतर उड़ा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम ही तकरीबन नजर आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे कामरान भाई, आपको बताया ना अच्छा ब्लड होना चाहिए, कबूतर हर जगह उड़ता है। बिल्कुल सही, तो यानी कि ये जो बातें हैं बहुत ठीक है, कोई कहीं हद तक ठीक भी हैं, लेकिन ये कि कबूतर उड़ने वाला होगा तो उड़ेगा। क्यों जी बाबर भाई? अच्छे खुलेगा कबूतर, कामरान भाई अच्छे उस्तादों से आया हुआ कबूतर हो, अच्छा ब्लड है, जैसे इनके पास ये ब्लड है, ये आज का 20-22 साल पुराना है, ऐसे ही ज्यादा तो ज्यादा पुराना है, तो ये ब्लड ही ऐसा है, इनको मालूम है जो इन्होंने नंबर दिए हुए 61 हो गए मुझे बताया था, तो ये कबूतर जहाँ डलेंगे तो वहाँ 70 से कबूतर उड़ा रहे हैं यहाँ जी इस छत पर जो वाली पुरानी छत पर 70 से 70 की दिहाई से कबूतर उड़ रहे हैं। कामरान भाई इसका रिजल्ट ये है कि 6-6, 7-7 दिन बाद भी इसके बच्चे रुल के आते हैं। ये ऐसा है टैडी है, टैडी है मगर अकल के बेताज बादशाह। तो कलर इसका देखें ना, कलर दिखाएं जरा, ये प्योर वही ना, जरा इस तरह करके कलर दिखाएं। ये देखें जी ये टैडी कबूतर है। अच्छा हाँ ये इंडिया से है, मनोविंद्रा चक्रवर्ती साहब आपको सलाम कह रहे थे स्पेशली, उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज्यादा सलाम और प्यार। उस्ताद कामिल जैदी साहब भी आ गए। ओ कामिल भाई क्या हाल है? कामिल भाई जिंदा समझ गया ना कामिल भाई ठीक हो गया जी। ये है कि इनका रिजल्ट, ये जो मेरे पास टैडी है ना इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, और बेसिकली आप इनको वो मैरों वाले कह सकते हैं तो, मगर जो ब्रीड वाइज कह सकते हैं, ब्रीड वाइज कह सकते हैं, मगर हम आगे से हमने ना इनको मेंटेन करके ना अपना जो ना इनमें से अब अपनी ब्रीड बना रहे हैं, तो बेस उनकी इनकी यही है मैरों वाले टैडी है। सही हो गया। एक कोई बटेरा कबूतर लेके आना जी। ले जी हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब बटेरा कबूतर आ रहा है जी अभी। अच्छा केड़ा नुमान साहब जरा जो है वो तस्वीरें बना रहे हैं। नुमान ये देख इसी कबूतर की तस्वीर आनी है, ये खड़ा हुआ सामने पहला जो खड़ा हुआ, बाकियों की देखी बाकी उठा दे। मलिक बाबर साहब को सलाम कह रहे हैं जी। फारूक गुजर साहब मेरे कबूतर 24 घंटे उड़ते हैं। क्या बात है सर, 24 घंटे उड़ते हैं तो फिर उनको उड़ाइएगा ना बाजियों में, क्योंकि बाजी में तो निकल जाएंगे, फायदे कोई नहीं। यहाँ पे तो बाजी का टाइम होता है सुबह 5 बजे शाम को मैक्सिमम 8 बजे 9 बजे जी कामरान भाई, अब तो 9 बजे तक भी आया टाइम आ जाता। ये लें जी हरिंदर साहब बटेरा कबूतर देखें है ज़रा, ये इसको एज का है थोड़ी एज में और क्रीज पड़ा हुआ ना जी जी। हाँ लाएँ पर खोले पर क्रीज पड़ा हुआ है ना। हाँ ठीक हो गया जी। अच्छा ये भी टमटम में ही है, वही ब्रीड है लेकिन काफ़ी एज का हो गया। कामरान भाई कबूतर सारे ही सभी अच्छे होते हैं, मगर हमारा जो शौक करवा रहे हैं ना ये टमटम ब्रीड शौक करवा रही है। ये आँखों का बड़ा फ़र्क है आपके कबूतरों के, जो सियालकोटी कबूतर ये सफ़ेद, मतलब इनकी आँखों में सफ़ेदी ज़्यादा है बिल्कुल ज़्यादा। और वो बात नहीं है जैसे गहरी गहरी आँखें जो हम सियालकोटी कबूतर लोगों के पास देखते हैं, खासतौर पर कई लोगों के घर मैंने देखे हैं वो बिल्कुल ही काली आँखें हुई हुई हैं उनको, धूप में करके जी आप अंदाज़ा लगाएं कबूतरों का, इनकी साफ आँखें हैं बिल्कुल सादी सी आँखें। तो ये भी कभी आँखें खराब करते हैं? साफ आँखों का आपको एक और दिखा, एक जोनसिरा कबूतर दिखाया था उड़ने वालों में से पत्ती वाला कबूतर बिल्कुल साफ गुलाबी रिंग पहना आता है मेरे अंदाजे से, माजी थी बिल्कुल जोनसिरी थी साफ
तो ये साफ आंखों में ही ज्यादा रिजल्ट है सर, सभी आंखों में यार कामरान भाई, सभी आंखों में। अब ये देखें, अब लोग इनको इसकी आंख देख के यही कहेंगे यार ये देखें साफ आंखें, बहुत जबरदस्त। ये उधर वाले खुट्टे से पकड़, हाँ जी ये मादी है जी भाई, लेकिन मादी के नाल मादी दिखाई सी जोनसरी, इधर है जोनसरी साफ अखा जिन्हों गुलाबी कड़ी पई सी बहुत आना, वो जड़े पिशावर तो बच्चे आए थे ये वो वाले सियालकोटी कबूतर नहीं है जो दो दो हाथों से पकड़ने पड़ते हैं और जो वजनी होते हैं, ये वो कबूतर नहीं है सर। मैंने बंद्रा साहब है वो पूछ रहे हैं टमटम की हिस्ट्री क्या है, क्यों टमटम कहते हैं? यार ये हमारे पास मादी उड़ी थी ना कामरान भाई, उसका नाम टमटम था सही, तो माशाल्लाह 13-14 साल उड़ी है बाजियों में लगातार। आप दूसरे साल अब कबूतर नहीं उड़ता? हाँ अब दूसरे साल नहीं उड़ता, और ये जोनसरी थी वो अभी भी पड़ी है स्टफ की, स्टफ हुई भी मैंने देखी, 20 साल तो हो गया उसको स्टफ की हुई है 97 से माशाल्लाह। क्या ही बात, ये लें जी ये भी उड़ी है हमारी मादी। अच्छा ये टमटम में है? हाँ ये वही है बहुत, देखा ये भी पट्टी है सही 9 पर की, यही वाली बहुत अच्छा बहुत अच्छी उड़ी है ये बहाड़ में हमने उड़ाई है 3 बजे के बाद ही बचा है। फिटनेस उसकी बड़ी जबरदस्त है, वो बता रही है कि उड़ने वाले कबूतरों में से ही है। ले जी ये शफीक भाई कौन सा कबूतर कह रहे हैं अभी वो बाबर भाई बताते हैं, कौन सा कह रहे हैं जी? कबूतर कह रहे हैं, हाँ जी कबूतर सबसे पहले जो उल्लू कबूतर दिखा लें जी, ये भी देखे माशाल्लाह साफ आंखों देखे ना, हाँ और अभी ये छोटी है अभी अभी ये पहले धागे की है ये देखे, ये अभी 10वीं आ रही है ये 10वीं और क्लीन अभी देखे, ये देखे ये हमारे मोस्ट फेवरेट जोन सा है ना ये कबूतर है। अभी मैं आपको एक दो तीन और शौक करवाता हूँ जरा जोन से है ना, ये हमारे जोन से है ना यार। चुप जोड़ा कौन सा है? हाँ चुप जोड़ा, चुप जोड़ा हाँ कोई है पता नहीं भाई, चप चप केड़ा चप चपड़े अच्छा चप वो CHAP लिखे ना, हम तो CHUP चुप लिखते हैं क्यों जी, मैं आपको मैं ये चपड़े होंगे ये वाले कबूतर कह रहे हैं हम वीक भाई। हाँ ये देखें नहीं नहीं ये मुझे मेरे जहन में आ गया, वो सीधा खड़ा होता बड़ा उठ के कबूतर जौंसरा चिट्टी दूध आंखें हैं उसकी, चिट्टी दूध आंखें उस मैंने बोला अब उसकी तस्वीर पहले लगी हुई है एक दफा कि जैसे मर्जी टैडी कबूतर यानी कि इनको डालो तो ये जैसे मर्जी तो आता है वो मैं वो हो गया उड़ी जाएगा। हाँ ये लिए कबूतर कह रहे हैं आंख देखे माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल सही हो गया कैसे क्लीन है बिल्कुल। अच्छा मेरा ख्याल है कि वो इसका ही बाप होगा जो मैं सोच रहा हूँ कबूतर, यहाँ हमने तस्वीर ली थी वो इस तरह यूं उठ के खड़ा होता सीधा 33 नंबर वो कितना, हाँ एक आधा करवा दें क्योंकि ये गहरा हो जाएगा ना जो पुराना होगा, अभी तो पट्टा है ठीक हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल सही सही हो गया डन हो गया जी। अभी अब जी लाल आंखों वाले कबूतर जो है ना नवाबों वाले तो वो कबूतर दिखाते हैं, नुमान आ गए पिक्चर फिट कितनों की आ गई जी कामरान भाई, चलो जितनों की आ गया टैडी कोई आ गया कामरान भाई, ये हैं जी हमारे इश्क के और हमारे शौक के परिंदे, ये लाल आ रहे हैं ये सियालकोटी कबूतर हैं टमटम कबूतर है ये, मैं जो उनसे ना ये देखे ये भी सारे नए पढ़ लेके आ रहे हैं ये देखे माशाल्लाह जी बहुत आला, ये दुमे देखे बिल्कुल सही, ये गालिबन मैंने देखी हुई है पहले नहीं ये हमने नहीं देखी पट्टी है इसी, ये अब देखें जी लाल आंखों वाला को ये नवाबों वाले को उतर जी, क्या बात है नवाबों वाले बहुत आला है ये सब शौक वो उधरों पट्टा। अच्छा जकी भाई ये जो इनकी पलकें हैं ये अब इनको आप संदूरी कहेंगे या पीली पलक कहेंगे क्या कहेंगे? संदूरी है फिलहाल तो नहीं, लोग कहते हैं जो संदूरी पलक होता भी लाल आंख वाले कामयाब है, क्या सच है? और नहीं कामरान भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है, संदूरी काली पलक के भी लाल आंख के उड़ते देखे हैं शाम तक उड़ते देखे हैं, ज़रूरी नहीं है। अभी इसमें हमारे 22 नंबर हैं नवाबों वाले उनकी पलकें बिल्कुल ज़ीरो हैं जैसे ये बता रहे हैं शफीक भाई, उनकी पलकें बिल्कुल नज़र ही नहीं आती, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं बहुत अलग, ये अभी छोटे ही पट्टियाँ पट्टियाँ
20 ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਦਾ 22 ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ ਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਲੈ 20 ਨੰਬਰ ਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾ 20 ਨੰਬਰ ਅਬ ਦੇਖੇ ਇਨਕੀ ਕਾਲੀ ਪਲਕੇ ਇਹ ਪਿਓਰ ਇਹ ਉੜਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਮ ਇਹ ਨਵਾਬੋ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੇ ਪਲਕ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖੇ ਲੈ ਜੀ ਆਪਕੋ ਬੜੇ ਨਵਾਬੋ ਵਾਲਾ ਕੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਾਦ ਛੋੜ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੱਠਾ ਔਰ ਜਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੋ ਜੁੜਾਣਾ 2018 25,000 मगर जब आप देखेंगे ना इनामात तो इनामात को भी छोड़े जब आप देखेंगे ना तो 10,000 हम जितनी एंट्री होंगी सबको वापस कर रहे हैं उनमें से यानी कम अज कम या आप अंदाज़ा लगा लें कि 15,000 रुपया पर छाता आ रही है और उसमें मैं 3 उम्र के टिकट भी हैं इनामात के अलावा जो हम जायद देंगे उम्र के टिकट बिल्कुल सही ये जकी भाई आप ही शौक करवाएं ये नवाबों वाले कबूतर नहीं जी ये नवाबों वाला क्रीजों क्रीज में पड़े हुए हैं ना क्रीजों में पड़े हुए हैं 40 नंबर इसकी तस्वीर पहले मैं ले चुका हूँ हाँ जी बड़ा कबूतर है ना बहुत आला कमरान भाई सारे क्रीज पड़े हुए सारे क्रीज पड़े हुए कबूतर बाबर शाहीन साहब आपको सलाम कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से बड़ी दूर से सलाम आया लव यू सर लव यू अच्छा इनके पंजे हाँ जी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब अगर देख रहे हो तो देखें जी ये जैसे पाँव वो कहते हैं गहरे तो वही सारे गहरे ये दोनों भाई हैं जरा दिखाएं हाँ इसको सीधा करें दोनों भाई हैं अच्छा ये सगे भाई हैं बहुत आला ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਬੋਂ ਵਾਲੋਂ ਮੇਂ ਪਿਓਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ ਸ਼ੋਕ ਕਰੇ ਬੂਟਾ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੂਟਾ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ہاں جی ہاں جی خیر سے پہنچ گئے ہیں بوٹا فاروق بھائی کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام اور پیار جی چھوٹا ثاقب جمیل صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ کافی دنوں کے بعد نظر آئے ہیں بس جی اسی طرح ہی ہاں شفیق بھائی شوق کر رہے ہیں جی شفیق بھائی جی یہ یہ نوابوں والے ہیں جی پیور آپ بھی لال آنکھوں کے بڑے کبوتر لگاتے ہیں پیلے پیلے پنجروں میں بڑے پسند ہیں اچھا پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے نعیم بھائی والے کبوتر ہیں میرے پاس لال آنکھوں کے نعیم بھائی نعیم شفیع بھائی الحاج نعیم شفیع صاحب اچھا اچھا وسیم بھائی والے تو ان شاء اللہ آپ آئیں گے تو آپ کو شوق کرائیں گے کل کچھ پرندے وسیم بھائی نے گفٹ بھی کیے اچھا ماشاء اللہ میں خوش نصیب ہوں گے مجھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے کچھ پرندے مجھے وسیم بھائی نے دیے آپ شاگرد ہو جائیں وسیم بھائی ان شاء اللہ ہاں جی میں آپ کو ایک دیں گے آپ کو بابر بھائی بہت بہت اعلیٰ مشہور آپ کا جینس سردار وکرم جینس وکرم جینس باقاعدہ طور پہ شفیق بھائی نے جو ان سے نا وسیم بھائی کی شاگردی لینے کا جو ان سے نا فیصلہ کیا ہے اور یہ جیسے ہی ہمارے تقسیم انعامات آئیں گے نا اس میں استادی شاگردی کی باقاعدہ رسم ہوگی اکٹھ میں اور یہ جو ان سے نا وسیم بھائی سے جو ان سے نا شاگردی جو ان سے نا لیں گے چلیں سر بہت بہت مبارک ہو استاد وسیم شفیع صاحب کے آپ شاگرد ہونے جا رہے ہیں میں اور نصیب ہوں کامران بھائی کہ مجھے ایک ایسا گھر ملا اور ایک ایسے پیارے دوست ملے اور ایک ایسا استاد مل رہا ہے کہ جو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے ہی ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور آگے جو ان کے دوست ہیں یہ بھائی ہیں زکی بھائی ہو گئے بابر بھائی ہو گئے یہ سب ان کی محبت ہے یہ تو میں میرا شوق اس قابل نہیں ہے کہ میں ان میں آگے شوق کروں کامران بھائی کبوتر پروری کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کبوتر پروری ہوتی رہتی بحیثیت محمد نعیم شفیع اور محمد وسیم شفیع ملک ارشد صاحب محترم استاد امتیاز حسین چیئرمین صاحب یہ وہ پلر ہیں جن کے اوپر عمارت کھڑی ہو جائے نا تو ڈگمگا نہیں سکتی یہ ہمارے ایسے ستون ہیں اللہ پاک ہمارے ان سب بھائیوں کو قائم دائم رکھے ہم دوستوں کی وجہ سے جو ان سے نا سب کچھ ہے اور کبوتر بازی سے ہٹ کے ذاتی طور پہ بتائیں ذاتی طور پہ عنایت اللہ خان صاحب کا نام عنایت اللہ خان صاحب کی تو وہ ہمارے بڑے ہیں جی
ان کی تو کیا ہی بات ہے. اور آپ بھی گئے ہیں, آپ نے بھی ان کے جناب بتائیں جب آپ گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, میرے ذمہ پر مجھے بتائیں کہ آپ ادھر گئے ہیں آپ نے کیا محسوس کیا جب آپ ملے ہیں انہیں. نہیں جی بالکل استاد عنایت اللہ خان ٹم ٹم ذاتی طور پر جو اگر ان کو دیکھا جائے بہت اچھی شخصیت, بڑے زبردست انسان اور خوش اخلاق, ملنسار, مہمان نواز ہر حساب سے. اور خاص طور پہ واپسی پہ جب میں بابر بھائی سے لڑ رہا تھا, میں کہا یار ٹرالی پکڑ لو, ٹرالی کیوں نہیں پکڑ رہے, تو بابر بھائی کہہ رہے تو حسن کو کہہ, مجھے کیوں کہتا ہے. میں نے حسن کو کہا, میں کہا حسن یار تو ساتھ چل رہا ہے خان صاحب سے, ٹرالی تو پکڑ لے. ہمارے سامان کی ٹرالی تھی تقریباً 60-70 kg ہمارے پاس سامان تھا. تو واپسی پر تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا ان کو جانے دو. تو مطلب کہ ہمارا سامان, ہماری ایج دیکھ لیں, ہم چھوٹے ہیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ ٹرالی لے کے, لیکن انہوں نے مجھے بھی منع کر دیا کہ نہیں یار میں آپ لے کے جاؤں گا. اتنے اچھے انسان کہ مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ان کی مہمان نوازی, کھلے دل سے ملنے والے انسان ہیں. اور بہت مزہ آیا ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ اس دفعہ پھر دسمبر میں ان کے ساتھ جا کے مزے کریں گے. تو جی زکی بھائی اور بابر بھائی اور چوہدری شفیق صاحب اور ساتھ ساتھ شہباز, اور ہماری جتنی بھی کبوتر پروری ہے وہ سب, یہ جتنے بھی دوست بھائی دیکھ رہے ہیں سب, ان کو ایک دفعہ پھر میں سلام کہوں گا. اور ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کبوتر پروری میں جون سا نا کبوتر پروری آپ لازمی کریں, مگر اس میں جون سا نا دوستی کا خاص طور پہ خیال کریں, کیونکہ ہماری جو کبوتر پروری ہے نا وہ ہماری دوستی کی وجہ سے ہے. اپنی کبوتر پروری کی وجہ سے دوستی نہ خراب کریں. میں بھی پھر ادھر آ جاؤں. اس کے ساتھ ہی منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ کامران عباس آپ سے چاہے گا اجازت. اللہ حافظ.